नहमाया के दिनों में यहूदियों ने खुशी खुशी निर्माण काम किया। यह बहुत बड़ा काम था, पर यहोवा के मार्गदर्शन और मदद से उसे 52 दिनों में इसे पूरा कर पाए। कपड़े तो काफी गंदे हो गए। नहमाया, जो खुशी यहोवा देता है वो तुम्हारी ताकत है। जब ये फिल्म बनाई जा रही थी तो हमने फिर से यरूशलेम की दीवारें बनाई, पर इस बार न्यूयॉर्क के माउंट एबो स्टूडियो में। इस फिल्म को बनाने में बहुत से स्वयंसेवकों ने मदद की। उन्होंने अपना समय, ताकत और हुनर इस काम में लगाया ताकि एक ऐसा वीडियो तैयार हो सके जिससे सभी भाई बहनों को फायदा हो, और उन्हें इस काम से बहुत खुशी मिली। शुरू से ही अच्छी योजना बनाई गई। हर दिन की शुरुआत बाइबल वचनों पर चर्चा करने और प्रार्थना से होती थी। फिर एक्टिंग करने वाले भाई बहनों को पोशाकें पहनाई जाती और उनका मेकअप किया जाता था। कुछ भाई बहन एक्टिंग करने वाले भाई बहनों को ऐसे सुझाव देते थे जिससे वो कैमरे के सामने बिना झिझके बोल पाए। एंड एक्शन। भाइयों, शांत हो जाओ। क्या उन्होंने अब तक कुछ किया? क्या पता उन्होंने कुछ किया हो? स्टूडियो में एक तरफ प्रोडक्शन टीम फिल्म की शूटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ सेट तैयार किए जा रहे थे। सेट पर इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सामान 3D प्रिंटिंग से बनाया गया ताकि सब कुछ असल लगे। सेट, उस पर इस्तेमाल होने वाला सामान और किरदारों की वेशभूषा तैयार करने के लिए काफी खोजबीन की गई ताकि सब कुछ हूबहू उस जमाने का लगे। नहमाया के दिनों में यरूशलेम में लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी ये दिखाने के लिए कुछ और भी चीजों की जरूरत थी, जैसे जानवरों की। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी थी, पर अब भी कुछ काम बाकी था। फिल्माए गए सीन में जान डालने के लिए विजुअल इफेक्ट टीम ने उसमें कंप्यूटर के जरिए कुछ फेरबदल किए। निर्माण करना हमेशा से यहोवा के लोगों की खासियत रही है। नहमाया इतिहास में दर्ज उन बहुत से लोगों में से एक है जिन्होंने निर्माण काम करने में बहुत मेहनत की। नहमाया, यहोवा जो खुशी देता है वो तुम्हारी ताकत है। इस फिल्म को बनाने के लिए प्रोडक्शन टीम के भाई बहनों ने भी कड़ी मेहनत की। उन्होंने खुशी खुशी ऐसा किया ताकि हमारे दिल में यहोवा के लिए प्यार और कदरदानी बढ़े।